डिस्क्लेमर, ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर कुरानाई सेंसे को शिकामारु खबर ये दे देते हैं कि आसुमा सेंसे नहीं रहे, और कुरानाई सेंसे ये सुनकर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और रोना शुरू कर देती है। और यहाँ पर कुरानाई सेंसे के जो फूल रहते हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं। यहाँ पर आसुमा सेंसे के फ्यूनल में सब लोग आ जाते हैं और वो कोनाहामारु और बाकी सब रो रहे होते हैं। और उतने में इनो पूछती है कि शिकामारु कहाँ है, तो चोजी बोलता है कि उसकी मॉम ने कहा कि वो घर से निकल गया है और वो बस आ रहा होगा। और कोनाहामारु का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल रहता है। शिकामारु भी यहाँ पर फ्यूनल में नहीं आता है। फ्यूनल की जगह पर वो कि यहाँ पर एक रास्ते की छत पर बैठकर बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है, और वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो देखकर ये खुश हो रहा होता है कि ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चले जाता है। और उतने में यहाँ पर रास्ते में एक औरत मिलती है उसे, और वो बोलती है कि हे आसुमा सेंसे और चोजी को बोलना कि वो वापस से वो मेरे घर पे आए और मैं वापस से अपने घर पे लंच रखने वाली हूँ। और तभी शिकामारु उस लेडी को बोलता है कि आसुमा सेंसे नहीं रहे, और उसके बाद वो जो लेडी रहती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रो रही होती है कि एक और एक निंजा की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर शिकामारु अपने घर पर चले जाता है और वो अपने घर पर बाहर बैठकर खाली इंतज़ार कर रहा होता है। और इसी तरीके से सूरज ढल जाता है और शिकामारु की मॉम उसे खाने पर बुलाती है। शिकामारु बोलता है मुझे नहीं खाना है, और वो इस तरीके से बैठा रहता है। तभी उसके डैड आवाज़ देते हैं और वो बोलते हैं कि अंदर आ जाओ। और तभी शिकामारु अपने डैड के साथ यहाँ पर शोगी खेल रहा होता है, और वो शोगी खेलते खेलते यहाँ पर बस नाराज़ बैठा रहता है। यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम अपने मन से तो खेल ही नहीं रहे हो, और वो बोलते ऐसा लग रहा है कि तुम खुद से हारने की कोशिश कर रहे हो। शिकामारु कुछ बोलता नहीं है और वो चुपचाप खेल रहा होता है। वो बोलते कि तुम कहाँ थे सुबह से, और तुम लगता उसके आसुमा के फ्यूनल में भी नहीं गए। शिकामारु कुछ बोलता नहीं है और वो चुपचाप बैठा रहता है। उसके डैड बोलते हैं मुझे पता है कि तुम लोगों का मिशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड गया, और तुम्हारी जो एनिमी थी वो भी ज़्यादा टफ थी। वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम इतनी हार्ड टफ एनिमी को अकेले नहीं हरा सकते हो, जबकि आसुमा भी नहीं हरा पाया। और वो बोलते हैं कि आसुमा सेंसे अब इस दुनिया में नहीं रहे, और इसका तुम इतना दुख मत करो। तभी यहाँ पर जो शिकामारु रहता है वो शोगी को उठाकर फेंक देता है, और वो बोलते हैं आपके कहने का क्या मतलब है। वो बोलते हैं कि आसुमा सेंसे अभी भी इस दुनिया में है, और वो बोलते हैं कि आसुमा सेंसे मेरे साथ ही मौजूद है, मुझे पता है। तभी उसके डैड उठते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे पता है शिकामारु कि तुम्हारे मन में बहुत ही ज़्यादा दर्द और दुख है, और वो बोलते हैं कि तुम्हारा जितना भी मन के अंदर दुख दर्द भड़ास जो भी है वो सभी बाहर निकाल दो। और तभी यहाँ पर शिकामारु जो रहता है वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो आसुमा सेंसे को बचा नहीं पाया। और तभी उसके डैड कमरे से बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मैं यहीं पर ही हूँ, तुम मुझे आवाज़ लगा देना अगर तुम्हें कुछ ऐसा रिया तो। और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। शिकामारु यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, क्योंकि वो आसुमा सेंसे को बचा नहीं पाया और आसुमा सेंसे की डैड उसकी वजह से ही हुई। और तभी यहाँ पर जो शिकामारु रहता है वो लेटा पड़ा रहता है और वो चुपचाप बस बैठा रहता है। और तभी वो शोगी को देखता है, और शोगी को देखकर उसे याद आता है, और अचानक से उसका दिमाग कुछ और तरीके से बिहेव करने लग जाता है। शिकामारु फट से उठता है और जो शोगी रहता है उसको रख कर उसकी जो डाइज रहती है उसको रखना शुरू कर देता है, और वो अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा होता है शोगी के गेम में। और वो शोगी के थ्रू ये सोच रहा होता है कि जो अकात्सुकी है उन्होंने ये मूव किया और उसने ये मूव किया, और वो जो शोगी है उसकी तरह खेलते खेलते ये सोच रहा होता है कि अकात्सुकी ने ये किया और अकात्सुकी ने वो किया, और वो अकात्सुकी को शोगी की तरह हराने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी सुबह हो जाती है और सूरज निकलता है, और उसके डैड आकर देखते हैं जो शिकामारु रहते हैं वो शोगी के गेम को रखता है, और वो शोगी का जो गेम रहता है उसको एक तरफ से जीत जाता है। यहाँ पर जो सुबह हो जाती है बच्चे खेल रहे होते हैं और जो फूल से माला बना रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जो शिकामारु है वो जा रहा होता है और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, और तभी वो प्रैक्टिस करते करते
चोजी के घर पे आता है और चोजी की मॉम रोते हुए उसके पास जाती है और वो बोलती है मुझे पता है कि आसुमा के साथ क्या हुआ है। और वो बोलती है कि तुम कल रात देर से घर गए थे और वो बोलती है कि तुम इतना बुरा फील मत करो। और तभी चोजी के डैड आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हो। वो बोलते हैं कि चोजी यहाँ पर नहीं है और वो पहाड़ों पर गया है ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पर पहाड़ों पर जाता है शिकामारू और वो पहाड़े जो रहते हैं उस पर शिकामारू चढ़ रहा होता है। और तभी शिकामारू को चोजी की पेट की आवाज़ आती है और यहाँ पर शिकामारू खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे पता है कि ये कितना गहरा है। यहाँ पर चोजी उस खड्डे के अंदर रहते हैं और उसके पेट से आवाज़ आ रही होती है। शिकामारू उसको उसका लंच बॉक्स देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। यहाँ पर चोजी उसको अंदर गुफा के अंदर खा लेते हैं और उसका पेट भरते साथ ही वो बाहर आता है और वो बोलते हैं मुझे पता है शिकामारू तुम्हें कुछ मदद चाहिए। वो बोलते हैं बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और तभी शिकामारू कुछ बोलता नहीं है और वो चुपचाप खड़े रहते हैं। चोजी बोलते हैं मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ कहना नहीं चाहते हो। वो बोलते हैं तुम मुझसे नाराज़ हो, है ना। शिकामारू बोलते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो लोग इनो के घर जाते हैं। इनो शिकामारू को देखती है और वो भागते हुए जाती है शिकामारू के पास और वो बोलती है मुझे बताओ शिकामारू तुम्हें क्या मदद चाहिए, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। और वो बोलती है मुझे पता है और हमें ट्रेनिंग करने जाना है। तभी यहाँ पर वो लोग आसुमा सेंसी की कब्र के पास आते हैं और वो बच्चे लोग आसुमा सेंसी की जो कब्र है उसको साफ कर रहे होते हैं। शिकामारू उन लोगों को थैंक्स कहता है और उसके बाद यहाँ पर वो शिकामारू आसुमा सेंसी की जो और शिकामारू आसुमा सेंसी की ग्रेव के पास बैठ जाता है और वो बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना आसुमा, हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हुए और मुझे आने में बहुत ज़्यादा देरी लगी पर अब हम लोग आ गए। और तभी यहाँ पर इनो और चोजी और साथ ही साथ जो शिकामारू रहते हैं वो लोग बैठे होते हैं आसुमा सेंसी की ग्रेव के पास और वो बोलते हैं कि हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि हम स्क्वाड 10 के मेम्बर थे। और यहाँ पर रात हो जाती है और वो लोग अपने सामान पैक कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर शिकामारू भी अपने हथियार एक बार फिर से चेक कर लेता है और लेडी जुनाटे उन लोगों को गेट के पास रोक लेती है। वो बोलती है मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बिना मिशन दिए तुम लोग जा रहे हो। शिकामारू बोलते हैं कि हम लोग बिना बोले नहीं जा रहे हैं, हम लोगों का जो मिशन है जो अधूरा रह गया है हम उसे बस पूरा करने के लिए जा रहे हैं। और वो बोलते हैं हम वो मिशन को पूरा करके रहेंगे। लेडी जुनाटे बोलती है मुझे पता है कि तुम लोगों का मिशन क्या है, तुम लोगों का मिशन यही है कि अकात्सुकी से बदला लेना। और वो बोलती है कि कुछ मौत हमें दिल पर ठेस पहुंचा देती है, मुझे पता है कि कुछ मौत हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है और हमें दिल पर एकदम घाव पहुंचा देती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन लोगों से रिवेंज लें, हमें खुद से संभालना होगा। और तभी यहाँ पर वो बोलती है कि अब आसुमा सेंसे नहीं रहे तो तुम उनकी जो रिवेंज लेने के बारे में भूल जाओ। शिकामारू बोलते नहीं, आसुमा सेंसे यहीं पर है, आसुमा सेंसे का लाइटर हमारे पास है और ऐसा लगता है कि आसुमा सेंसे हमारे आसपास ही है। लेडी जुनाटे बोलती है मुझे पता है कि तुम लोग रिवेंज लेने जा रहे हो और कुछ नहीं। शिकामारू बोलते नहीं, हम अपना जो मिशन है आधा अधूरा छोड़ दिया है उसे पूरा करने जा रहे हैं और हमें उसे पूरा करना है। लेडी जुनाटे बोलती है नहीं, एक स्क्वाड में 4 मेंबर रहते हैं और यहाँ पर 3 मेंबर है। काकाशी सेंसे बोलते हैं हाँ बिल्कुल, एक स्क्वाड में 4 मेंबर रहते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ये स्क्वाड के साथ जा रहा हूँ। और वो लेडी जुनाटे को बोलते हैं कि अगर हमने इन लोगों को ये मिशन करने नहीं दिया तो इन लोगों के मन में एक आस रह जाएगी रिवेंज की। और वो बोलते हैं कि हे मैं तुम लोगों का 4th मेंबर रहूँगा। तो इतने में यहाँ पर शिकामारू बोलते हैं कि नरूटो को क्या होगा, तो यहाँ पर काकाशी सेंसे बोलते हैं कि नरूटो अब एक और नए कैप्टन के साथ है और वो अपने नए कैप्टन के साथ खुश है। और तभी वो लोग सभी खुश हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि स्क्वाड 10 तैयार हो जाओ।